आइए इसी खबर पर और ज्यादा बात करते हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, इस वक्त चुनाव का जो प्रचार है वो चरम पर है, बल्कि कल पहले दौर की वोटिंग है और उसके ठीक पहले ये वीडियो आना और उस पर जीतन राम मांझी का ये कमेंट, इस पर हम बात करेंगे। एक बड़ी अपडेट इस वक्त हमें मिल रही है प्रकाश, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी अपडेट पहले दर्शकों को दे दें। वायरल वीडियो पर तेजस्वी यादव की सफाई भी सामने आ गई है। किसने क्या कहा मैंने नहीं सुना, ये सफाई है तेजस्वी यादव। वो कह रहे हैं कि किसने क्या कहा मैंने नहीं सुना और इस मामले को तूल देना ठीक नहीं है। सुनाते हैं आप। इसका कोई जानकारी नहीं है, आप लोग सब लोग जानते हैं। अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये चीज टॉलरेट नहीं की जाती है, पहली बार है ना। हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक वीडियो डाला है जो जनता के बीच, मतलब मंच के नीचे जब हम भाषण दे रहे थे ना, हम तो अपना भाषण दे रहे हैं है ना, उसमें तो कुछ समझ में आता नहीं है। लोग जो है नारे लगाते हैं, कौन क्या बोल रहा, कोई अपने वीडियो बना करके डाला है उसमें। तो ऐसी बात जो है, हमको लगता है कि इस बात को जो है सब लोग समझते हैं कि क्या है नहीं है। हम लोगों को भी कई लोग ऐसे गालियां देते होंगे पब्लिक में, वहाँ नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा, कौन क्या बोल रहा है, नीचे से ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है। तो ये बात जो है बतंगर इसका नाम बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा। तेजस्वी यादव की पूरी सफाई हमने आपको दिखा दी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इस वायरल वीडियो से कोई डैमेज हुआ है और जो तेजस्वी यादव सफाई दे रहे हैं उससे क्या कोई डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? उत्तर के लिए चलेंगे प्रकाश कुमार के पास। प्रकाश, बिल्कुल, देखिए सफाई देना तो बाद की बात है, लेकिन अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो इस पे साफ पाएंगे कि मंच पर खड़े विजय प्रकाश, जो बांका से उम्मीदवार है जयप्रकाश यादव, उनके भाई हैं, उनको संबोधित करके नीचे से कोई शख्स जो है वो गाली दे रहा है। और उस समय में इस बात का कोई भी भरोसा नहीं कर सकता था कि ऐसे भी मंच के नीचे से लोग कुछ बात कहते रहते हैं, लेकिन ऊपर से वो समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन गाली गलौज की भाषा, जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है मंच पर खड़े एक आरजेडी के बड़े नेता, उनके सामने में दिया जा रहा है, और उसके बाद चिराग पासवान बेहद भावुक हो जाते हैं। कल चुनाव होना है और ऐसे मौके पर इस तरह के गाली गलौज की भाषा, अगर वीडियो वायरल है तो उस पर मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से सफाई दी है वो काफी नहीं होगा। अगर वो सिर्फ एक शब्द में कहते कि ये गलत है, इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया सकता, जिसने भी कहा है अगर उसकी खोज पहचान होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो शायद इसे माना जा सकता था कि वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन एक तरह से ना उसे स्वीकार कर रहे हैं और ना ही उससे इनकार कर रहे हैं, बल्कि अपने बीच का लाइन लेते हुए निकल जा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि वो वीडियो उन्होंने देखा है, चिराग पासवान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस बारे में भी वो बता रहे हैं। तो जाहिर है कि मामला यहीं तक नहीं रहेगा, क्योंकि कोशिश की गई थी पूरे चुनाव के दरमियान में लालू यादव की तरफ से कि अगड़ा बनाम पिछड़ा हो, लेकिन दलित नेता के खिलाफ में इस तरह से अगर अपमानजनक शब्द का, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है तो यह मामला तूल पकड़ेगा। और जैसा कि जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट किया है तो इस मामले को बढ़ाया जाएगा, और फर्स्ट फेज में ही चुनाव जो है वो गया में भी है, जमुई में भी है, जहां से कि सुरक्षित क्षेत्र से दो उम्मीदवार हैं, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बहनों ही हैं, तो इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और इस पर अगर तेजस्वी आगे सीधे तौर पर इसे इनकार नहीं करते हैं और कंडेम नहीं करते हैं तो इसका नुकसान पूरे चुनाव में उन्हें देखने को मिलेगा। जी, शुक्रिया आपका प्रकाश। आपने महत्वपूर्ण बात यह कही कि इसको बिल्कुल साफ तौर पर कंडेम करना चाहिए था तेजस्वी यादव के द्वारा। ABP News आपको रखे आगे।